अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी तरफ़ से मेरे तमाम देखने वालों को, जो जो भी लोग और जहाँ जहाँ मुझे देख रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला ऐसी बहुत सारी ईदें आप लोगों को देखना नसीब करे और आप लोगों को ईद की बहुत 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 सारी खुशियाँ नसीब करे, आमीन। काफ़ी लंबे गैप के बाद, पूरे रमज़ान के बाद मैं आई हूँ, क्योंकि रमज़ान में कुकिंग तो बहुत सारी हुई, कुछ वीडियोज़ भी मैंने बनाई, लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर सकी, इस वजह से मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर सकी हूँ, ठीक है ना। तो ये आज मैं एक ईद की खुशी में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, जो हम स्वीट्स भेजते हैं, उसके लिए एक स्वीट डिश बना रही हूँ, जो कि हमारा ईस्टर्न मीठा है और बहुत शौक़ से खाया जाता है और पसंद किया जाता है, जिसे हम लबे शीरी कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर होती हैं लबे शीरी और दूध दलारी, आप जो नाम देना चाहें आपकी मर्ज़ी है, दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए टेट्रा पैक का दूध ले लिया है ये, और ये कलर सेवैयाँ हैं, जो खुशबू वाली कलर सेवैयाँ होती है वो हैं, ठीक है। एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है ये अभी, बस जो चीज़ें मेरे सामने थी वो मैंने रख कर बस मैं आपको दिखा रही हूँ। एग्जैक्ट क्वांटिटी अब मैं जैसे जैसे ऐड करती जाऊँगी, बनाती जाऊँगी, वैसे वैसे आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। ये जेली है, जेली के पैकेट जो रेगुलर आपको इजीली जिस भी ब्रांड के अवेलेबल हों वो ले लें। अच्छा, ये बड़ा वाला टिन है मिक्स फ्रूट का, दो टिन मैं यूज़ करूँगी, एक ही मैंने रख दिया यहाँ पर और एक फ्रिज में रखा हुआ है, ठीक है। ये क्रीम के पैकेट्स हैं, कुछ बाहर हैं कुछ अंदर फ्रिज में है। ये इसी तरह से ये कंडेंस्ड मिल्क है, रबड़ी भी, मतलब देख सकते हैं आप, और ये रसगुल्ले, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं हमारी जो कि हम लबे शीरी बनाते हुए यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जिस जिस तरह से मैं बनाती जाऊंगी, तो मैं एग्जैक्ट क्वांटिटी आप लोगों को साथ साथ बताते जाऊंगी कि मैं कितनी क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है हम दूध को बॉयल होने के लिए रख देंगे, ठीक है। 12 लीटर दूध मैं इस वक्त यूज़ कर रही हूँ लबे शीरी बनाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी है जो मैं बनाऊंगी अपने तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली में भिजवाने के लिए, और घर में भी हम मतलब इंजॉय करेंगे उस मीठे को। इसलिए जो भगोना मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी बहुत बड़ा है, इतना बड़ा भगोना है ये कि इसमें 3 से 4 किलो की बिरयानी आप इजीली बना सकते हैं। बहुत अच्छे से वॉश किया हुआ है ताकि इसमें से किसी किस्म की स्मेल ना आए। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, भगोना हमारा तकरीबन पूरा भर गया है, पूरा 12 लीटर दूध मैंने इसमें निकाल लिया है। हल्की आंच पे पकते हुए भी इसे काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें जो है शुगर ऐड करेंगे। वैसे तो स्टैंडर्ड रेशो होता है कि आप 1 लीटर अगर दूध यूज़ करें तो उसमें आप 1 कप चीनी, यानी कि 1 पाव चीनी आप यूज़ करें, लेकिन मैं इस वक्त जो है मतलब हाफ़ क्वांटिटी यूज़ करूँ, यानी कि 12 लीटर दूध में मैंने 6 कप जो है शुगर ली है, क्योंकि हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और ऐड करेंगे जो कि काफ़ी मीठी है, जैसे रसगुल्ले, रबड़ी, कंडेंस्ड मिल्क वगैरह, तो इसलिए मैं अभी एकदम से मीठे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। अच्छा, दूध कंटिन्यूसली पक रहा है, 1 से 1.5 घंटा हो गया है दूध को पकते हुए, शुगर भी जो हमने इसमें डाली थी वो भी डिज़ोल्व हो गई है। अब सेकंड स्टेप इसका क्या है कि इसमें हम कलर्ड खुशबूदार जो है सेवैयाँ वो ऐड करेंगे, ठीक है ना। 6 कप सेवैयाँ हैं ये 12 लीटर दूध में, यानी कि अगर आप 1 लीटर का रेशो रखते हैं तो 1 लीटर दूध में 1/2 कप सेवैयाँ ऐड होंगी, ठीक है ना। अच्छा, फ़ौरन चम्मच चलाएँगे इसमें ताकि सेवैयाँ चिपके नहीं एक दूसरे के साथ और कोई लम्स ना बने। अच्छा, सेवैयों को पकते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए हैं, और आप ये दूध की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि किस तरह बिल्कुल कस्टर्ड की तरह से ये थिक हो गया है, ठीक है। इसमें कोई भी थिकनिंग एजेंट, कोई कस्टर्ड पाउडर, कोई कॉर्नफ्लावर यूज़ नहीं किया है मैंने। सेवैयाँ मैंने ज़्यादा इसलिए पकाई है कि मुझे कस्टर्ड वाला लुक देना था, इसलिए मैंने तकरीबन जो है इसे 25 से 30 मिनट तक पका लिया है। आप लोगों को अगर खिली खिली सी सेवैयाँ पसंद हैं तो आप 10 से 15 मिनट में भी चूल्हा बंद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो बेस है लबे शीरी का वो कंप्लीट हो गया है, अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, ठीक है, और इस बेस को जो है हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा फिर जो है हमारी जो बाकी के इंग्रेडिएंट हैं वो इसमें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो है ऐड करते जाएंगे।
अच्छा, अब हमें लबे शीरी के लिए जो जेली की ज़रूरत पड़ेगी वो हम वन बाय वन करके कुक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं बना रही हूँ वो है स्ट्रॉबेरी जेली। ठीक है ना, 1000 ml पानी ले लिया था मैंने, जिसे कुक करने रख दिया था। बॉयल हो चुका है पानी और इसमें मैंने 4 पैकेट जो हैं जेली के वो यूज़ किए हैं। ठीक है ना, वैसे तो एक पैकेट जेली के अंदर 400 ml पानी यूज़ होता है, जो आप नॉर्मल रेगुलर जेली बनाते हैं, लेकिन जब हम किसी इस तरह की स्वीट डिश में डालते हैं तो हमें थिक सी जेली की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पानी का रेशो कम कर देते हैं, यानी कि अगर आप एक पैकेट बना रहे हैं तो आप उसमें 1 कप पानी यानी कि 250 ml पानी यूज़ करेंगे। मैं क्योंकि 4 पैकेट बना रही हूँ तो इसलिए मैंने 1000 ml पानी यूज़ किया है। अच्छा, जाली जब आपकी पक जाए तो आपने किसी ऐसी डिश में या किसी ऐसे बर्तन में जाली को निकाल लेना है जिसमें आप उसके इजीली क्यूब्स काट सकें। ठीक है, मतलब बाउल में किसी में नहीं निकालना कि बहुत ज़्यादा भर दें आप उसको, ताकि जब आप उसे काटें तो आपके क्यूब्स ना कट सकें। मतलब किसी फैली हुई डिश में आपने निकालना है ताकि इजीली उसके क्यूब्स कट सकें। ठीक है, इसी तरह से हम अपनी बाकी कलर जेली जो है वो भी बना लेंगे और उन्हें भी सेट कर लेंगे। पहले हम इसे रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, फिर उसके बाद फ्रिज में रखकर ठंडा करेंगे। अच्छा, अब आप लोग ये देख सकते हैं कि जो लबे शीरे का बेस था मेरा, वो बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। ये आखिरी रोज़े में सहरी के टाइम पे मैंने बनाया था और अब ये मतलब दोपहर के 2 बज रहे हैं। मतलब पहले तो इसे रूम टेम्परेचर पे मैंने ठंडा किया, फिर उसके बाद सुबह मैंने मॉर्निंग में इसको फ्रीज़र में रख दिया था, तो मतलब अच्छे से मतलब बिल्कुल कूल डाउन हो गया है ये। ठीक है, अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क मैं यूज़ कर रही हूँ। ये जो छोटे वाले टिन होते हैं कंडेंस्ड मिल्क के, 395 ग्राम या ml समथिंग के जो होते हैं, उसके 6 टिन में यूज़ करूँगी। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि इसमें रबड़ी भी हमने यूज़ करनी है। ठीक है ना, अच्छा, 12 ही पैकेट जो है हम ये क्रीम के यूज़ करेंगे। इसमें टेट्रा पैक वाली ही क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ। 12 लीटर दूध था तो उसमें 12 पैकेट ही मैं क्रीम के यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये देखें, क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम अपने 2 बड़े वाले जो मिक्स फ्रूट के टिन थे, 3.5 kg वाले, वो इसमें ऐड कर दूंगी। और मज़ीद 2 छोटे टिन मैंने पाइनएप्पल के अलग-अलग से लिए थे, वो भी मैंने छोटे छोटे चंक्स की सूरत में काट लिए थे, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, भगोना ये मेरा काफ़ी ज़्यादा भर गया है तो अब मैं भगोना भी चेंज इसका कर दूंगी। अच्छा, ये देखें, वो वाला भगोना जो पुराना था मेरा, वो काफ़ी छोटा पड़ रहा था तो ये मैंने भगोना चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं ये उससे भी बड़ा वाला भगोना है, क्योंकि मिक्सिंग उसमें बहुत मुश्किल से हो रही थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें जो है रबड़ी भी ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 किलो जो है वो रबड़ी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। 12 लीटर दूध की जो हमने बेस बनाई थी उसमें 3 किलो रबड़ी मैं यूज़ करूँ, यानी कि अगर आप 1 किलो की बना रहे हैं तो उसमें 1 पाव आप रबड़ी यूज़ करेंगे। ठीक है, उसी तरह से 3 किलो जो है वो ये चमचम या रसगुल्ले जो हैं वो ऐड करेंगे। ठीक है ना, अच्छा, अब जो है जेली ऐड करेंगे सबसे लास्ट में हम अपने लबे शीरी में। ये ब्लूबेरी की एक पर्पल कलर की जेली भी मैंने बना ली थी, उसी तरह से 4 पैकेट जिस तरह से मैंने आपको स्ट्रॉबेरी वाली दिखाई थी। ठीक है, ये ब्लूबेरी की जेली ऐड हो गई, अब ये स्ट्रॉबेरी वाली जेली भी हम ऐड कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग किस तरह क्यूब सी शक्ल में कटे हुए हैं ये। अगर पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा करेंगे तो जेली बहुत ज़्यादा आपकी सॉफ्ट हो जाएगी और वो मिक्सिंग में जो है वो सारी लबे शीरी के अंदर बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक है ना, इसीलिए पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखते हैं ताकि जेली थोड़ी सी आपकी थिक बने। ये बनाना जेली भी इसमें ऐड कर दी। ठीक है, इसी तरह से आपने सारी जेली ऐड करके इसे मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब ये लास्ट में जो मैंगो जेली है ऑरेंज येलो कलर की, वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है। बस अब हमारी सारे इंग्रेडिएंट जो है लबे शीरी के वो कंप्लीट हो गए हैं, बस अब हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छा, अब सारी चीज़ें जो जो भी लबे शीरी के अंदर जाना था वो हमने इस बड़े वाले भगोने में डाल दिया है। ये देख सकते हैं आप लोग कि ये बड़ा वाला भगोना भी पूरा भर चुका है। अब इसे हल्के हाथ से जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी, तो व्यूवर्स, ये आप लोग देख सकते हैं कि लबे शीरी हमारी कंप्लीट हो गई है और उसे मैंने बॉक्सेस में निकाल लिया है। ये 2-2 लीटर वाले डिस्पोजेबल बॉक्सेस हैं जो कि मैंने मार्केट से मंगवा लिए थे।
ठीक है ना। ऊपर से गार्निशिंग में आप ड्राई फ्रूट जो भी जितना भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त सिर्फ आलमंड्स थे घर में मौजूद, जो कि मैंने यूज़ कर लिए हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट मेरा सारा बाहर से आता है और जितना भी आया हुआ था स्टॉक सब ख़त्म हो चुका है। इस वक्त मैंने सब इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है ना। यहाँ से लोकल में नहीं परचेज़ करती हूँ, तो आप लोग जो यूज़ करना चाहें टोटली आपकी अपनी पसंद पर है जी। तो ये सारे बॉक्सेस देख सकते हैं आप लोग, कंप्लीट हो गए हैं हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली में जाने के लिए और नेबर्स में भी। तो जो क्वांटिटी चीज़ों की मैंने आपको बताई है उसमें तकरीबन 25 to 26 लीटर के करीब लबे शीरी तैयार हो जाएगा। आप लोग भी ज़रूर अपने हाथ से बनाकर अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को खिलाएं। मेहनत तो बहुत होती है इस तरह के कामों में, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी में कोई चीज़ बनाना और उसे मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इस तरह की मेहनत करना। क्योंकि बाज़ार से तो देखें कोई भी ख़रीद कर ईज़ीली किसी को भी आप गिफ्ट दे सकते हैं, कोई भी चीज़ आप किसी को भी खिला सकते हैं, लेकिन जब आप अपने हाथ से बनाते हैं तो उसमें आपकी मेहनत भी होती है, आपकी मोहब्बत भी होती है और आपका खुलूस भी होता है, ठीक है ना, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है बनिस्बत इसके कि आप बाज़ार से कोई भी चीज़ परचेज़ करें। और फिर जब सामने वाले आपकी चीज़ इंजॉय करके आपकी तारीफ़ करते हैं तो आपकी सारी थकन और आपकी सारी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है। तो आप लोग भी इंशाल्लाह ताला मतलब ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा इस वाली रेसिपी से, बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी लबे शीरी बनी है ये, बनाकर आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आई रेसिपी मेरे बनाए हुए तरीके से तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लें। अभी बिल्कुल नया चैनल है ये, मेरे मतलब व्यूज़ भी इतने ज़्यादा नहीं हैं चैनल पे और सब्सक्राइबर भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो प्लीज़ कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियोस को शेयर कर सकें उतना आप इसे शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला कोई बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी बहुत ही ईजी वे में, ताकि आप लोगों को ईज़िली वो समझ में आ सके और बजट में रहते हुए भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।